ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, आप वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, आप सभी को इस बैकग्राउंड को सिंपली डाउनलोड करके पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद जाना फिर आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। तो गाइस, यहाँ पे जो है, मैंने अपने मॉडल को ले लिया है। तो उसके बाद आप सभी को करना क्या है, पहले मैं इसको यहाँ पे पहले रोटेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप सभी को फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर देना है। एंड जो ये चार्जिंग वाला टेक्स्ट पेन लगा, आपको उसके नीचे रखना है थोड़ा सा, ठीक है? तो यहाँ रख देने के बाद आप सभी को सिंपली कर देना है डन। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को एक स्मोक का पीएनजी लेना है। तो उसके लिए चलेंगे हम पहले ऐड फोटो में। एंड यहाँ से ले लेंगे स्मोक का पीएनजी। एंड इसके जो ब्लेंडिंग मोड है, हमें कर देना है स्क्रीन। तो यहाँ से ब्लेंड पे जाएंगे, इसको स्क्रीन कर देंगे। एंड फुल स्क्रीन करके हम इसको अपने यहाँ मॉडल के नीचे लगा देंगे, ठीक है गाइस? तो ऐसा लगेगा कि कैसे कि हमारा मॉडल स्मोक के बीच में खड़ा है और हमारे मॉडल के चारों तरफ से स्मोक निकल रहा है। तो गाइस, अब दोबारा जाएंगे हम ऐड फोटो में और एक ये पीएनजी लेंगे पोकेमॉन का, ठीक है? तो ये पीएनजी है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको तो ये भी डाउनलोड कर लेना आप। तो इसको आपको जब कहाँ लगाना है, आपको अपने शोल्डर के पास लगाना है कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो इसको थोड़ा मतलब कि साइज़ जो है इसका ज़्यादा बड़ा मत रखना, नहीं तो यार थोड़ा अजीब लगेगा। साइज़ को मतलब कि मेंटेन करके रखना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, तो बट अपने हिसाब से रख लेना। आपने पोकेमॉन कार्टून देखा होगा तो उसके हिसाब से आप सभी को रख लेना है, ठीक है? तो बाकी देखो भाई, मैंने इतना रखा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इतना रख लेने के बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है अगेन यहाँ से वो सॉरी टूल्स में जाना आप सभी को, ठीक है? ड्रो टूल में जाना है। एंड ड्रो टूल में जाने के बाद आप सभी को यहाँ पर ब्रश का साइज सेलेक्ट कर लेना है पहले, ठीक है? तो साइज़ जो है पहले ओपेसिटी हम इसका कम कर देते हैं, अराउंड 10 या 12 तक रख देते हैं। एंड जो इसका साइज़ है इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। एंड सिंपली जूम करके इस तरीके से हम इस पीएनजी के नीचे शेडो बनाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से अच्छी तरीके से एकदम शेडो क्रिएट कर लेनी है आप सभी को। एंड आप इतना कर देने के बाद आप सभी को आप चाहो तो उसके ऊपर से टिकम कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है? तो इतना कर देने के बाद आप सभी को उसको कर देना है यहाँ पे डन। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को अब करना क्या है, आप सभी को यहाँ से जाना है, अब यहाँ से इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ब्लर वाला ऑप्शन में जाना है। एंड इसका जो ब्लर का ओपेसिटी है इसको कम कर देना है अराउंड 2 तक। एंड इरेजर टूल में जाकर एंड इसको ब्रश को सिलेक्ट करके आपको कुछ इस टाइप से अपने फेस के ऊपर इस तरीके से पेंट कर देना है, ठीक है? तो इस तरीके से पेंट कर देना है। एंड इसके बारे में आप सभी को मैं पहले भी अच्छे से बता चुका हूँ, तो अभी बताने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से कर देते हम डन। एंड उसके बाद जो है गाइस, आप सभी को अब करना क्या है, आप सभी को जाना टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। एंड इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट में जाकर आप सभी को कुछ इस टाइप से पेंट कर देना है, ठीक है? अपने फेस के ऊपर डोजेंट बन करना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसके साइज को छोटा कर देना, अमाउंट को छोटा कर देना। एंड कर देना डन। फिर अगेन जाना है टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में, फिर साइज को छोटा करके आप सभी को अपने पूरी बॉडी को ऊपर पेंट करना है कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो एंड उसके बाद आप सभी को अमाउंट को कम कर देना है। एंड कर देना डन, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ पे अपनी फोटो कर लेना, सिंपली ड्रॉ टूल में जाकर सेव। एंड बात आती है हमारी अब कलर करेक्शन की, तो वो कलर करेक्शन जो करेंगे हम लाइट रूम ऐप के अंदर। तो यहाँ पे जो हम 3 डॉट पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेंगे। एंड यहाँ से चलेंगे बैक, ठीक है? तो बैक जाने के बाद आप सभी को मैं बता दूँ यार, जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है और आप सभी ने अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया होता, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है यार। एंड वीडियो लाने में मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप में से कोई भी भाई मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार आप सभी को अगर मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आप सभी को उसकी अपडेट सबसे पहले मिले। तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट ऐड हो चुकी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम अपनी फोटो को ओपन कर लेंगे। एंड उसके बाद जाएंगे हम इस लाइट वाले ऑप्शन में। एंड उसके बाद आप सबको इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको थोड़ा बढ़ा देना है। एंड जो हाईलाइट है इसको भी बढ़ा देना है। एंड शेडो है इसको भी बढ़ा देना है। एंड जो यहाँ पे अब जो व्हाइट है इसको आप सभी को कम कर देना है, ठीक है? व्हाइट को कम कर देना है। एंड ब्लैक है जिसको इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को कम कर देना है, ठीक है? एंड उसके बाद जाना मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद आप सभी को ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, ठीक है? चाहो तो ल्यूमिनस बढ़ा सकते हो, बाकी आपके वो फेस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जाना येलो कलर में, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है। ग्रीन कलर के ह्यू को माइनस कर देना है, सैचुरेशन को प्लस में कर देना है। फिर जाना ब्लू कलर में, इसके ह्यू को माइनस में कर देना है। एंड जो सैचुरेशन इसको प्लस में कर देना है, ठीक है? इतना हो जाने के बाद आप सबको यहाँ से कर देना है डन। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में। एंड उसके बाद जो है इसकी क्लियरिटी आप सभी को इसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो फोटो में विग्नेट है वो हल्का सा डालना है, ठीक है? विग्नेट डालना है। एंड उसके बाद आप सभी को ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आप सबको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको इंक्रीज कर देना है। नोट डायरेक्शन इसको आपको इसको भी इंक्रीज कर देना है। एंड जो कलर नोट डायरेक्शन है इसको भी इंक्रीज कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है, तो गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है गाइस, ठीक है? तो यहाँ पे यार अगर आप सभी को वीडियो में कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड यार वीडियो मेरे को नेक्स्ट टॉपिक किस पे लाना चाहिए आप सभी को, वो भी यार मेरे को बता दिया करो, मेरे सजेस्ट कर दिया करो कि भाई आप इस टाइप का वीडियो लाओ। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।